हेलो गाइस, सो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्दी रेसिपी तो आप कहेंगे ये हेल्दी कैसे ये तो पराठा है क्यों नहीं हेल्दी है तो चलिए सीखिए आज मेरे साथ तो इसके लिए आपको करना क्या है उबले हुआ आलू चाहिए उसमें कद्दूकस किया हुआ प्याज और थोड़ा सा उसमें लहसुन हरी मिर्च कोरियंडर पाउडर जीरा पाउडर और इसमें मैंने डाला है न्यूट्री यस इसमें मैंने सोयाबीन की न्यूट्री डाली है इसको पहले मैंने गर्म पानी में बॉईल किया उसके बाद इसको अच्छे से पानी इसका निचोड़ा और उसके बाद इसको अच्छे से ग्राइंड किया ठीक है और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ताकि इसके मिसाले जो है अच्छे से अब्जॉर्व कर ले इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है जैसे ही आपका ये डो तैयार हो जाए इसे साइड में रखिए और साथ में ही हमने तैयार करना है अपना आटा जो आटा जो तैयार करना है वो बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए जो पतला आटा होता है ना वैसे मत रखना क्योंकि अगर वो रखोगे तो आपका बैटर जो बनाया हुआ है वो थोड़ा हार्ड है तो क्या होगा आपका जो बैटर है वो बाहर निकल जाएगा यही एक टिप है तो हमने आटा गूंथ लिया था अच्छे से तो मैंने थोड़ा सा हार्ड आटा रखा था उसमें मैंने ये बैटर डाला और जैसे आलू के पराठे बनाते हैं वैसे ही इसको बनाना है इससे फायदा क्या है फायदा ये है जब भी मैं पराठा खाती थी ना आलू का तो मुझे बहुत हैवी फील होता था, था पूरा दिन भूख नहीं होती थी और मुझे मतलब डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी तो अब इसमें मैंने क्या किया प्रोटीन भी मिक्स कर दिया अब देखो हुआ नहीं है हेल्दी जब बोलते हैं ना कि पराँठा नहीं खाना चाहिए अनहेल्दी होता है भाई हमने सोयाबीन की न्यूट्री जो मिक्स कर दी है अब तो इससे प्रोटीन मिलेगा और साथ में मैंने इसमें क्या सहजन का जो सूखी होती है ना उसका मैंने पाउडर बना लिया था पहले से ही तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है और सहजन जिसको नहीं है ना वो कमेंट करके पूछ लेना मैं बता दूंगी स्पेशल वीडियो बना दूंगी उसके और सेकंड चीज आपने ये ध्यान रखना है जब भी आप पराठा बनाएं तो आपको उसको डायरेक्ट ऑयल या तेल यूज नहीं करना है तवे पे क्योंकि वो जल है एकदम वो तलने वाला काम करता है फ्राई करने वाला काम वो हमें नहीं करना है उससे हमारा अनहेल्दी हो जाएगा या तो आप इसे सूखा ही हटा के उसके ऊपर बटर लगा के जैसे कंपनी में बंदा होता है ना जो चमचा वो बटर लगाता है वैसे ही खा लो या फिर इसमें अगर आपको लगाना ही है तो जैसे एक साइड से आ, तो हल्का सा लगा के फिर उसके बाद दूसरी साइड लगाने के लिए अलग से निकाल के फिर लगाएं और ये देखो मैं क्या कर रही हूँ कि जब भी हम पराठा बनाते हैं हम जल्दी जल्दी बनाते हैं और वो कच्चा रह जाता है तो वो किसी चीज से अच्छे से दबा के अगर यूज करोगे ना तो वो फिर अच्छे से पक जाता है ठीक है और डायरेक्ट ऑयल हमें नहीं यूज करना है ये देखो अगर मैं ऑयल यू अगर मैंने इसमें घी यूज किया है तो मैं एक साइड से यूज करूंगी दूसरी साइड से मैं अपने जो बर्तन है जिसमें मैंने हॉट केस होता है उसी में ही उसको लगा दूंगी जैसे रोटी को लगाते हैं तो ये एक आपकी हेल्दी रेसिपी बन गई है इसी तरीके से आपने सारे पराठे वन बाय वन बना लेने हैं ठीक है ये जो आपका जला हुआ लग रहा है ना ये जला हुआ नहीं पका हुआ है क्योंकि मैं हमेशा जब पराठे बनाती हूँ ना तो उसको मीडियम आँच में बनाती हूँ क्योंकि जब उसे खाने लगते हैं ना तो अंदर से एक अच्छा मन महसूस होता है पर जब आप धीरे धीरे पकाते हैं तो वो काफी अच्छा पक्के तैयार होके आता है ये देखो मैंने किस तरीके से अभी ऑयल और ऑयल uh, तो देखो कच्चा रहता है तो उसको तलना ही पड़ता है बट अगर आपको ऑयल इस तरीके से यूज करना है तो पहले से ही आप ऑयल को गर्म करके फिर यूज करें ताकि उसमें वो आ, मतलब वो स्मेल ना रहे क्योंकि पराठा कोई खा नहीं पाएगा ठीक है वो आप यूज कर सके यानी कि वो तलेगा नहीं है एक हल्का सा वो क्रंचीपन थोड़ा सा दे देगा उसी के लिए हम ऑयल यूज करते हैं और तेल भी बचेगा और घी भी बचेगा क्योंकि जब हम तवे के ऊपर तेल लगा देना तो आधे से ज़्यादा तेल तो तवा ही एब एब्जॉर्व कर लेता है और फिर वो फ्राई करने का काम करता है वो चीज़ हमने नहीं करनी है ठीक है तो हमने धीरे धीरे पराठों को बनाना है और उसको सर्व करना है तो ये रहे आपकी हेल्दी जो पराठा है उसकी रेसिपी तो इसको मैंने सर्व किया है चटनी के साथ और साथ में मैंने दही दही भी मैंने खुद ही घर का बनाती हूँ मैं मैं दूध लेकर आती हूँ खुद ही रात को जमा देती हूँ ठीक है और इसके साथ जो चटनी मैंने बनाई है वो है आ, मैंगो की इंस्टेंट चटनी वो भी मैं आपको आई लिंक पे शेयर कर दूंगी वो भी आपको मैं बता दूंगी तो मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी वो आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट रेसिपी आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए तो मैं उसी के ऊपर आपको रेसिपी लेकर आऊंगी थैंक यू